जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा है थंबनेल में, क्या आज हम लोग इंडिया के टोटल 28 स्टेट के बारे में कौन कहाँ पे फुली डिटेल में ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। ऐसा ट्रिक के साथ जो कि यह अनोखा है और ये ट्रिक के माध्यम से आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाने वाला है एंड कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी नए हैं वो घबराए नहीं, आज एकदम फुल बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग के माइंड में सेटअप होने वाला है। और जो एंड वीडियो के लास्ट में आप लोग खुद देखेगा ये ब्लैंक मैप, आप लोग खुद फिल कीजिएगा कि कौन सा कहाँ स्टेट है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सारा कुछ, कर्नाटक कहाँ कहाँ है, सारा कुछ आप लोग खुद बताइएगा। देन बिना लेट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग पहले बेसिक फैक्ट देख लेते हैं कि क्या है टोटल स्टेट। टोटल स्टेट आप लोगों को पता होगा 28 है, कितने 28 एंड 8 यूटी है, कितने 8 यूटी यूटी कौन कहाँ पे है सारा कुछ डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक कहानी के माध्यम से हम लोग 8 UT को याद करने वाले। कहानी कौन सी है? कहानी छोटा सा है। कहानी ये है कि किसी दो लड़के के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद वो जम के दूसरे को लात मारता है। लात मार के पहले देखिए कहानी सुनिए। कहानी ये है दो लड़कों के बीच लड़ाई होती है, जम के वो लात मारता है। लात मारने के बाद चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए वो अपने दादा के पास, दादा के पास चले जाते हैं। दादा यहाँ पे रहते हैं। होते हुए यहाँ उसके बाद ना दादा के पास जाता है तो उसका लक्ष्य जो है 5 अंडा खाने का है। बस इतनी सी कहानी है, इतने में हम याद करने वाले। तो शुरू करता हूँ। कहानी था जम के उसे लात मारता है। जम के से जम्मू एंड कश्मीर लात मारता है। लद्दाख उसके बाद चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए तो यहाँ पे चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए दादा के पास, दादा नगर हवेली एंड दमनद्वीप। ओके दमनद्वीप। उसके बाद वहाँ उसका लक्ष्य जो है क्या, लक्ष्य 5 अंडा खाने की, कितने 5 अंडा खाने की लक्ष्य, लक्षद्वीप। उसके बाद पांडुचेरी एंड अंडा से अंडमान निकोबार। यहाँ पे अंडमान निकोबार क्लियर है? 8 हो तो 8 को हमारा हो चुका है। तो आप लोग फिर से एक बार बोल दीजिए। जम के लात मारा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, 1-2 हो गया। एंड चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए, चंडीगढ़ यहाँ पे चंडीगढ़ दिल्ली, 4 दादरा नगर हवेली एंड दमन, दोनों कॉम्बिनेशन 1 हो चुका है। पहले अलग था पर अब 1 हो चुका है। तो ये हमारा हो गया 5 एंड लक्षद्वीप 6, पांडुचेरी 6-7 एंड अंडमान निकोबार 8। ओके क्लियर है? ओके तो देन अब हम लोग तो यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों को याद हो गया होगा कि जम के लात मारा एंड चंडीगढ़ दिल्ली होते हुए दादरा नगर हवेली दमनद्वीप लक्ष्य लक्षद्वीप 5 का 5 पांडिचेरी एंड अंडमान निकोबार। क्लियर? तो अब हम लोग बच गया ट्री के माध्यम से 28 स्टेट उसे याद करने वाले। वो तो यार इजी वे में आँख बंद करके वो याद होने वाला है। तो बिना लेट किए उसे भी शुरू करते हैं। डन। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं टोटल स्टेट को ट्री के माध्यम से कैसे याद करना है। सबसे पहले हम ट्री के माध्यम से एक फूल लेंगे। क्या लेना है? फूल। एक फूल ले लिए। दिख रहा होगा यहाँ से आप लोगों, एक फूल ले लिए। ओके कौन सा फूल लेना है? फूल ये वाला फूल लेना है, PHUUL, ये वाला फूल लेना है। कौन सा? ये वाला फूल लेना है। फूल तो फूल से पीछे पंजाब, पंजाब पीछे पंजाब एंड ऐसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड ये उत्तराखंड। क्या यू से?
उत्तराखंड, यू से उत्तराखंड, यू से उत्तराखंड, एंड ये बीच में कौन सा है, बीच में जो है डंडी कैसी होती है नीचे, आप लोगों ने फूल के नीचे देखा होगा, डंडी कैसी हरी होती है, हरी से हरियाणा, हरियाणा कौन सा, हरियाणा, हरी से हरियाणा। तो क्लियर है इतना, देख फिर से देखते हैं, फूल लिए, फूल से फूल लेने के बाद फूल यहाँ पे फूल लिए, ये तीन स्टेट आपको याद होने वाला है, पीछे पंजाब, ऐसे हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड हो गए, एंड ये यू बच गया। उत्तराखंड के नीचे में देखिएगा कौन सा है, यूपी, कौन सा यूपी, कौन सा यूपी, तो ये हो गया हमारा यूपी, क्या है यूपी। यूपी के बाद आप लोग सुने होंगे मैक्सिमम की यूपी बिहार आसपास है, तो यूपी, एंड यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे ये हो गया हमारा बिहार, कौन सा बिहार, यूपी बिहार आसपास है, तो यूपी बिहार। तो ये हमारा 6 स्टेट कंप्लीट है, हो गया ठीक के बाद हमसे फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग फूल लेंगे, फूल से फूल लिए PHUL वाला, पी से पंजाब, एस से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, एंड यू से यूपी, एंड बिहार बगल में यूपी बिहार, ओके। और यहीं पे हम लोग देख सकते हैं एक बिहार की एक छोटी सी कहानी है, बिहार में ना शादी आसपास में होती है, और आसपास को हम क्या बोलते हैं, बगल, आसपास को बगल क्या बोलते हैं, बगल, और बगल से हम लोग क्या याद करेंगे, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बगल से वेस्ट बंगाल, बगल से क्या हो गया वेस्ट बंगाल, बिहार के बगल में कौन सा, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल हो गया। और जब शादी बगल में होती है तो वहाँ से जब लोग आते हैं तो उन्हें ना कुछ रुपये के साथ साथ में एक सिक्का दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सिक्का। तो उसी तरह सिक्का से यहाँ देख सकते हैं बंगाल, बंगाल यहाँ होगा, बंगाल के ऊपर में ये है बंगाल हमारा, एंड बंगाल के ऊपर क्या है, सिक्किम, सिक्का दिया तो सिक्किम, सिक्का से सिक्किम, सिक्का से सिक्किम। तो क्लियर है यहाँ, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फूल लिए, फूल से कौन सा फूल, PHUL, पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, और यू से यूपी, और यूपी के बगल कौन सा, बिहार, बिहार के लोगों का शादी कहाँ पे होता है, बगल में, बगल से वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल जब वहाँ से आते हैं तो क्या मिलता है, सिक्का, सिक्का से सिक्किम, क्लियर है, सिक्का से सिक्किम हो गया, ओके। तो देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके क्लियर है यहाँ पे। जैसा कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो फिक्स है यार, बस आप एक बार इसे देख लो, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगे ट्रिक तो यार बताना कमेंट बॉक्स में, बताओ कमेंट बॉक्स में, देन हम लोग फिर से न्यू ट्रिक के साथ आएंगे, ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, देन आगे बढ़ते यहाँ तक, क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक छोटी सी कहानी लेंगे, उसके माध्यम से हम लोग अब ये 5-6 स्टेट फिर से कंप्लीट करने वाले, ओके ओके। तो देन छोटी सी कहानी ये है कि किसी एरिया में राजा रहते थे, और राजा कहाँ पे रहते हैं आप लोगों को पता है, राजा बड़े से एरिया में रहते हैं, कहाँ पे, बहुत बड़े से एरिया में राजा रहते हैं। तो राजा रहते थे, राजा ना राजा एक बार दौरे के लिए बाहर निकले, बाहर निकलने से पहले उन्होंने 36 सेनापति सेना को आदेश दिया, 36 सेना का एक ग्रुप बनाया और ग्रुप को देखे आगे बढ़ा। तो जब वो दौरे पे निकला, तो राजा जब निकलते हैं दौरे पे तो यूनो की आसपास वो 20 से निकलते हैं, पहले सेना फिर बीच में राजा होते हैं। तो जब वो 20 से पास कर रहा था तो वहां पे कोई तीसरा आदमी, मतलब यूनो की उसके राजा के दुश्मन उस पर अटैक करने, एक था उस पर अटैक करने का कोशिश किया, तो उसके 36 सेना ने उसे उठा के ना उड़ा के यानी उड़ा के उसे झाड़ियों में फेंक दिया, उड़ा के झाड़ियों में फेंक दिया, यानी गुजरात से होते हुए निकल गया, ओके। बस इतनी सी कहानी हम लोग 5-6 स्टेप याद करने वाले, ओके ओके। तो सबसे बड़ा एरिया किसका होता है आप बता दो, सबसे बड़ा एरिया किसका होता है, राजा का, राजा से राजस्थान, राजा से राजस्थान, क्लियर है, ओके। राजा से राजस्थान, उसके बाद राजा कहाँ से गुजर रहे थे, बीच से तो मध्य प्रदेश MP, कहाँ से गुजर रहे थे, बीच से तो MP, ओके क्लियर है। बड़े से ओके, तो
बड़े से एरिया में कौन रहते हैं, राजा, राजा से राजस्थान, एंड कहाँ से गुजरे थे, मध्य से, मध्य से यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए। और उन्होंने कितने सेनाओं को लेकर चलते, 36, कितने, 36, 36 से छत्तीसगढ़, 36 से छत्तीसगढ़, एंड उस पर आक्रमण हुआ। आक्रमण होने के बाद ये 36 सेना ने उसे उड़ा के कहाँ फेंक दिया, झाड़ियों में, उड़ा से उड़ीसा, उड़ा के फेंका तो उड़ीसा, उड़ा के फेंका उड़ीसा, और कहाँ फेंका, झाड़ियों में, झाड़ियों से झारखंड, झाड़ियों से झारखंड के लिए है यहाँ तक। उसके बाद कहाँ से गुजर के, गुजरात से होते हुए राजा चले गए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, राजा बड़े से एरिया में राजा रहते थे और वो मध्य से गुजर रहे थे, कितने सैनिक को लेके, 36, जब उन पर आक्रमण हुआ तो ये 36 सेना ने उसे उड़ा गए, कहाँ फेंक दिया, झाड़ियों में, झाड़ियों से झारखंड। क्लियर है, हो गए, तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका। और ना, वो राजा कैसा राजा थे, वो राजा उनकी ग्रेट महान राजा थे, तो महान से हम लोग महाराष्ट्र याद कर सकते, महान से महाराष्ट्र, महान से महाराष्ट्र। क्लियर है, महान से महाराष्ट्र, वो राजा महान थे, महान से महाराज। क्लियर है यहाँ तक, एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक छोटी सी कहानी और लेते हैं, हो गया यहाँ तक क्लियर है, तो देन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, देन आगे भी कहानी देखते हैं। बस एक और छोटी सी कहानी है, चार छोटी छोटी कहानी के माध्यम से हम लोग पूरे 28 स्टेट को याद करने वाले हैं। ओके, अब एक छोटी सी कहानी ये है, एक तमिल नाम का लड़का था, वो बेचारा इन लोग की ईद देख नहीं पाता था, और वो उसकी माँ ने एक बार करेले की सब्जी बनाई और वो नहीं, उसे पसंद नहीं था, वो बोला नहीं मम्मा नहीं खानी है हमें, बट ना मम्मा उसे फोर्स करके खिला देती है, देन वो बहुत नाटक करने लगता, नहीं मम्मा नहीं खाऊंगा, फिर ना नाटक करने में उसका तेल निकल जाता है, क्या निकलता है, तेल निकल जाता है, इन लोगों की पसीना पसीना बोले तो तेल। तो बस इतनी सी कहानी है, इतने में हम लोग 5 स्टेप याद करने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले, तमिल नाम का लड़का था, क्या था, तमिल नाम का लड़का, तमिल से तमिलनाडु, तमिल से तमिलनाडु, एंड उसकी मम्मा ने कौन सी सब्जी बनाई थी, करेले की सब्जी, करेले की सब्जी बनाई थी, ये करेला जैसा सेब भी आपको दिख रहा हो, करेले की सब्जी बनाई थी। तो वो लड़के को दिया तो नहीं मम्मा नहीं खाऊंगा, वो कर्नाटक नाटक करने लगा था, नाटक करने लगा हो गया, एंड नाटक करने में उसका तेल निकल गया था, तेल निकलने से तेलंगना। क्लियर है, एंड वो लड़का कैसा था, वो लड़का अंधा था, कैसा था, अंधा से आंध्र प्रदेश, कैसा था, अंधा से आंध्र प्रदेश। क्लियर है, तो फिर से हम लोग देखते हैं, कोई लड़का ना, कोई तमिल नाम का लड़का था, वो बेचारा देख नहीं पाता था, इसे गलत वे में मत ले जाइएगा, बस हम लोग छोटी सी कहानी के माध्यम से याद करेंगे। तो वो देख नहीं पाता था, उसकी मम्मा ने करेले की सब्जी बनाई, वो बोला नहीं मम्मा नहीं खाना है हमें, वो नाटक करने लगा और नाटक करने में उसका तेल निकल गया। ओके, तो तमिल से तमिलनाडु, करेला, नाटक किया कर्नाटक, एंड तेल निकला तेलंगाना, और वो कहते अंधा से आंध्र प्रदेश। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा गोवा है, कौन सा गोवा, आप लोगों ने तो वो वाला गाना सुना होगा, गोवा वाले बीच पे, तो यही वही है गोवा, गोवा। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, देन अब हम लोग सेवन सिस्टर देख लेते हैं, एंड हमारा इतने आसानी से ट्रिक से हमारा ये क्लियर हो गया कि अब हम लोग कभी भूलने वाले नहीं है। ओके, तो ओके, देन हम लोग ये सेवन सिस्टर देख लेते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको तो यार डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कहाँ पड़ती, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई लड़का है जिसका कि जो कि एक पैर नीचे है जमीन में, एक पैर उठा हुआ है। ओके, एंड ये लड़का ने इतना मतलब अपना हाथ उठाया ना कि पैर होते हुए आसमान को चीरते हुए, मेघ को चीरते हुए ना आसमान तक चला गया, मेघ को चीरते हुए आसमान तक चला गया। बस इतना सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद ये देखिए सातों स्टेट कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो एक लड़का जो है वो अपना हाथ ऊपर करता है, तो वृक्ष
वृक्ष के ऊपर करते हुए, यानी वृक्ष यानी बोले तो ट्री, ट्री वृक्ष को ट्री बोलते हैं, ट्री से त्रिपुरा, ट्री से त्रिपुरा। और मेघ को चिरते हुए, मेघ बादल को मेघ बोलते हैं, तो मेघ से मेघालय, मेघ से मेघालय आसमान तक चला जाता है। कहाँ तक? आसमान तक, आसमान से असम, आसमान से असम। एंड वो जो लड़का ये आपको दिख रहा है वो लड़का का पहरे है, और लड़का कैसा है, सॉक्स, सॉक्स बोले तो मोजा, मोजा पहना हुआ है, मोजा से मिजोरम, मोजा से मिजोरम। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा कि वो लड़का जो है ट्री, ट्री से त्रिपुरा, एंड मेघ को चीरते हुए, मेघ से मेघालय आसमान तक असम, एंड ये उसका पहले पैर में जो मोजा पहना हुआ है, मोजा तो मोजा से मिजोरम, मोजा से मिजोरम। क्लियर। यहाँ अरुणाचल प्रदेश क्लियर। तो यहाँ एक देखते हैं, इसको हमको याद करना, नागा, नागालैंड है, कौन सा है, नागालैंड। और नाग जो है वो किसकी रक्षा करता है, नाग जो है मणि की रक्षा करता है। तो नाग, नाग तो यार मणि पे बैठा हुआ रहता है ना, तो ये क्या है, मणि, मणि से मणिपुर, मणिपुर कौन सा है, मणिपुर, मणिपुर नागालैंड, मणिपुर नागालैंड, मणिपुर नागालैंड। क्लियर है। क्लियर। तो इस तरह हमारा 28 स्टेट कंप्लीट हो चुका है, एंड अब हमें नहीं लगता है आप लोग कभी इसे भूलिएगा। ओके, एंड हम लोगों ने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था, हम लोग देख लेते हैं ब्लैंक मैप, आप लोग खुद बताइए कौन सा स्टेट कहाँ पे। ओके, तो चलते हैं। तो ये हमारा ब्लैंक मैप है, और ये इतना आप लोग यह खुद भरिएगा, मैं क्या भरूँगा, आप लोग खुद बताइएगा कौन सा कहाँ पे है। ओके क्लियर है। तो आगे बढ़े, तो देन देखिए हमारा जो ये है, ये तो यूटी है, यूटी ये छोड़ के हम लोग सिर्फ 28 स्टेट के बारे में देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग फूल लेंगे, क्या लेंगे, ये वाला फूल। ओके, तो अब बताइए ये कौन सा है, ये है पंजाब, कौन सा है, पंजाब। और ये इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। एंड ये उत्तराखंड, कौन सा, उत्तराखंड। एंड उसकी उसकी डंडी कैसी होती है, हरी होती है, हरी से हरियाणा, हरी से हरियाणा, हरी से हरियाणा। और ये हमारा जो है नेपाल है, जो कि बॉन्डी शेयर करता है भारत से। एंड हो गया, एंड उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के नीचे में कौन सा था, यूपी, यूपी, ये कौन सा, यूपी। और ये बताइए, ये तो आप लोगों को पता होगा, बिहार, कौन सा, बिहार, बिहार। एंड बिहार के लोगों की शादी कहाँ पे होती है, कौन सा है, बांग्लादेश, कौन सा, सॉरी बंग, वेस्ट बंगाल, कौन सा, वेस्ट बंगाल। एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पे कौन सा है, सिक्किम, कौन सा, सिक्किम। चलिए आप लोग ये बताइए ये कौन सा, जल्दी से बताइए। वो जो लड़का था वो कैसा लड़का, तमिल नाम का जो लड़का था वो कैसा था, वो देख नहीं पाता था, तो कैसा था, आंध्र प्रदेश, कैसा, आंध्र प्रदेश, कौन सा, आंध्र प्रदेश। और ये कौन सा, तमिल नाम का लड़का था, तमिलनाडु। एंड कौन सी सब्जी खा रहा था, केरल, केरला, केरल। और सबसे बड़ा एरिया कौन सा, यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया राजा, राजा से राजस्थान। एंड कहाँ से जा रहा था, मध्य से एमपी। क्लियर ओके। देन कितनी सेना थी, 36, कितना, 36, 36 सेना बने थे ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। एंड उसे उड़ा के, उड़ा के यानी उड़ीसा, उड़ा के कहाँ फेंका था, झाड़ियों में, झाड़ी से झारखंड, 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 झाड़ी से झारखंड। एंड हमारा ये इतना बचा हुआ, जल्दी से आप लोग बताते चलिए, ये कौन सा राजा कहाँ से गुजर गया था, महाराष्ट्र, सॉरी राजा कहाँ से गुजरा था, गुजरात से, गुजरात से। और राजा कैसा था, राजा महान था, महान से महाराष्ट्र, महान से महाराष्ट्र। एंड वो जो लड़का, तमिल नाम का जो लड़का था, वो करेला की सब्जी पसंद नहीं करता था, ऊपर उसे फोड़ करके खिलाया गया, तो वो क्या करने लगा, नाटक, नाटक से कर्नाटक, नाटक से कर्नाटक। और वो नाटक करने में उसका तेल तेल निकल गया था, तेलंगाना। और ये कौन सा हमारा छोटा सा, गोवा, गोवा वाले बीच पे। क्लियर है। एंड हम लोग सेवन सिस्टर देखते हैं, सेवन सिस्टर। सबसे पहले वो जो लड़का था उस, वो लड़का ट्री के ऊपर, मतलब ट्री से भी ऊंचा पैर कर लिया था, तो वो त्रिपुरा, कौन सा, त्रिपुरा, त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा। एंड मैं कुछ चीते हुए मेघालय, मेघालय। और कहाँ तक, आसमान तक, असम, आसमान तक असम।
एंड ये कौन सा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कौन सा अरुणाचल प्रदेश एंड ये नागालैंड, नागालैंड और ये जो है हमारा कौन सा है जल्दी से बताओ, ये कौन सी ना किसकी रचना करता मणिकृत मणिपुर, कौन सी मणिपुर। और ये हमारा एक बच गया, ये लड़का का पैर है, लड़का पैर में क्या नहीं क्या पहना था सॉक्स बोले तो मोजा, मोजा से मिजोरम। तो इस तरह हमारा 28 स्टेट कंप्लीट हुआ और कंप्लीट हो चुका है। जाना बोला हमें नहीं लगता अब आप लोग ऐसे कभी दूसरी जगह पढ़िएगा एंड आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला है। एंड अब हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा एक वो देख लेते हैं कि ये बॉन्डी शेयर कहाँ करता है, कौन सा कंट्री जो हमारी जो कंट्री है वो किस किस देशों के से सीमा शेयर करते हैं, ये वीडियो हम आगे लेके आएंगे। एंड आगे आप लोग ये बताइएगा कि अगर आपको इसी ट्रिक के माध्यम से किसी भी स्टेट का मध्य प्रदेश यूपी बिहार झारखंड तेलंगाना कोई भी एनी हाउ किसी भी हाल में आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए ये वीडियो तो टेल मी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड हाँ यार सपोर्ट मी, अभी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन सपोर्ट मी एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।